गुड आफ्टरनून गाइस, हाउ डूइंग, मेड हाउ योर लाइफ। इंग्लिश बोलते हो? अरे बोलते हो नहीं? डू यू स्पीक इंग्लिश? आई स्पीक। और आपका दोस्त? माय फ्रेंड स्पीक्स इंग्लिश। क्या बोलेंगे? माय फ्रेंड स्पीक्स इंग्लिश। बोलो तो माय फ्रेंड स्पीक्स इंग्लिश। क्या बोलेंगे? माय फ्रेंड। चलिए, जरूरी सूचना यह है, आज है आपकी 20 तारीख यानी 20 दिसंबर 2023। और जैसा आपको कहा था कि 20 तारीख को जो है आपके एडमिशन चालू हो जाएंगे न्यू बैचेस के लिए, तो नए बैचेस के लिए आज से एडमिशन शुरू हो चुके हैं। और नए बैचेस जो अब चालू होंगे आपके ग्रामर के लिए और स्पोकन इंग्लिश के लिए और कंप्यूटर क्लासेस के लिए, वो आपके 5 जनवरी से चालू होंगे यानी 5 जनवरी 2024 से चालू होंगे यानी नए साल से आपके चालू होंगे। और उसमें कुछ ऑफर भी निकला है, जैसा कि ये जो सेंटर चल रहा है आपका 1 जनवरी 2016 से चल रहा है, ठीक है, तो यानी 1 जनवरी 2024 को 8 वर्ष इसको कंप्लीट हो जाएंगे। और इसमें आप सभी का मतलब सबका कॉपरेट रहा है, सबका सहयोग रहा है, सभी ने अच्छे से पढ़ा, सभी ने अच्छे से सपोर्ट किया, आगे भी करते रहेंगे यही उम्मीद है। इसके अलावा तो 8 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और इसी उपलक्ष्य में जो है फिर हमने कुछ तोहफा देने का सोचा है, गिफ्ट देने का। और गिफ्ट ये है कि 5 जनवरी से जो बैच चालू हो रहे हैं ग्रामर क्लासेस के लिए और स्पोकन क्लासेस के लिए और कंप्यूटर क्लास के लिए, उनमें सभी में भारी डिस्काउंट है। और वो जो डिस्काउंट है वो 50 सीट्स के लिए है यानी 50 सीटों के लिए है। यानी जो कोर्स आप स्पोकन इंग्लिश का 3500 रुपये में करते हैं, लाइफ टाइम फ्री होता है जो, वो कोर्स सिर्फ 1000 रुपये में इस टाइम, ठीक है, 1000 रुपये में आप कर सकते हैं। आपके जो मतलब साथी हैं उनको कह सकते हैं, आपका तो ही गया, आप अपने साथियों को बोल सकते हो 1000 रुपये में वो अपना स्पोकन इंग्लिश के लिए एडमिशन करा सकते हैं जिन्होंने नहीं कराया है अभी तक। इसके अलावा आप में से कोई कंप्यूटर सीखना चाहे तो 1000 रुपये में ही कंप्यूटर है, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स आपको सीखने को मिलेगा जिसकी क्लासेस जो है 3 मंथ्स के लिए होंगी, ठीक है, वो लाइफ टाइम फ्री नहीं है, बट स्पोकन इंग्लिश आपका लाइफ टाइम फ्री है। इसके अलावा ग्रामर क्लासेस आपके लिए लाइफ टाइम फ्री रहेंगी 1000 रुपये में, जिसका कोर्स की कीमत होती है 3500 रुपये, 1000 रुपये में वो आप लाइफ टाइम कर सकते हैं, यानी बेसिक टू एडवांस आपको सीखने को मिलेगा, बिल्कुल जीरो से आपको लेकर के चलेंगे। इसके अलावा नए साल में कुछ फीचर्स और ऐड करने जा रहे हैं, कुछ मतलब स्पेशलिटीज़ मतलब और मतलब देने जा रहे हैं। वो क्या फैसिलिटी है वो ज़रा सुन लो, कि जो ग्रामर कोर्स करेंगे उनके लिए हर महीने एक टेस्ट होगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज ऑनलाइन होगी और वो टेस्ट सीरीज आपको फ्री रहेगी, ठीक है, ग्रामर में हर महीने की 5 तारीख को आपको मतलब वो टेस्ट हुआ करेगा, तो वो आपके लिए फ्री रहेगा जिनका एडमिशन होगा। इसके अलावा उसमें जितना आपको करा दिया जाया करेगा वो सारा मतलब तुम्हारा टेस्ट हुआ करेगा ऑनलाइन। इसके अलावा जो टेस्ट हुआ करेगा वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपके 20 उसमें क्वेश्चन हुआ करेंगे और वो 40 मार्क्स का हुआ करेगा, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टिक मार्क रहा करेगा। उसको करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट्स मिला करेंगे, 40 मिनट आपको मिला करेंगे। इसके अलावा एक टेस्ट सीरीज और हम अभी देने जा रहे हैं हाल फिलहाल में, एक टेस्ट सीरीज वो सभी के लिए फ्री है, मतलब फ्री है, जो भी मतलब देख रहे हैं वीडियो पर भी और आपके लिए भी, आप भी मतलब ले सकते हैं, आपके साथ ही है, उनको भी आप जो है टेस्ट सीरीज जो है फ्री में जो है उनको अपनी नॉलेज चेक आउट करने के लिए उनको मतलब टेस्ट उनको कह सकते हो कि भी आप देना चाहो तो दे सकते हो, फ्री है, उसका कोई पैसा नहीं है। इसके अलावा नई फैसिलिटी एक चीज़ और ऐड करने जा रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास आपको पूरा कोर्स आपको चाहिए, जैसे अभी यूट्यूब पे हम क्लासेस दे रहे हैं तो वो पूरी क्लासेस नहीं चलती हैं, तो आपको पूरी क्लासेस लेना है, एक सिस्टमेटिक तरीके से लेना है, 1x1 करके एक एक क्लास आपको लेना है, तो उस केस में आप ऑनलाइन कोर्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन कोर्स भी आप कर सकते हैं अब। और ऑनलाइन कोर्स करने के लिए आपको क्या करना है, नंबर आपको दिया हुआ है सभी को 9720212031, ठीक है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो कोर्स आपको मिलेगा वो टेलीग्राम ऐप के थ्रू मिलेगा, ठीक है, टेलीग्राम ऐप के थ्रू आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, बैठो बैठो जल्दी से, बैठो शांत तरीके से, तो टेलीग्राम
यानी ऐप के थ्रू आपको एक ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा और उसके थ्रू आप जो है सारी क्लासेस को देख सकते हैं। ग्रामर का कोर्स भी आप कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा स्पोकन क्लास के लिए भी आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि अदर फैसिलिटीज़ तो पहले से चली रही हैं, जैसे 10th का 12th का इंग्लिश क्लासेस पढ़ने को यहाँ पर आपको मिलता है, ठीक है, यानी फर्स्ट इंग्लिश के रूप में जो इंग्लिश लिटरेचर के रूप में आप पढ़ते हैं। इसके अलावा बीए और एमए की इंग्लिश की क्लासेस भी चलती हैं, ठीक है, तो वो क्लासेस चल रही हैं वो, तो ठीक है, अब एग्जाम आने वाले हैं उनके, तो वो तो क्लासेस अब लगभग फिनिश हो जाएंगे। तो आगे नेक्स्ट जो भी करना चाहे आपके, जो भी कर रहे हों, जो सीनियर हैं आपके, जो बड़े हैं, उनको बता सकते हो कि बीए और एमए की क्लासेस भी मतलब इंग्लिश लिटरेचर आप टॉप प्रायोरिटी पे मतलब पढ़ सकते हैं नेशा मेकर स्टूट पर। और उनको बताना मतलब जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो उनको बता सकते हो कि स्पोकन इंग्लिश भी कर लो, क्योंकि जब आप लैंग्वेज सीख ही रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ ही रहे हैं, तो लैंग्वेज भी आना चाहिए, ग्रामर भी आना चाहिए। तो इसमें तीन तरीके से आप इंग्लिश को सीख सकते हैं यहाँ पर नेशा मेकर इंस्टीट्यूट में। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में जो आपने एडमिशन ले रखा है यहाँ पर बोलना सीखने के लिए, एक इंग्लिश ग्रामर के रूप में सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम मतलब कैसे एग्जाम को दें उसमें मतलब ग्रामेटिकली कोई हमारा एरर ना हो एक सिस्टमेटिक तरीके से, तो वो आप ग्रामर के माध्यम से सीख सकते हैं। इसके अलावा लिटरेचर के लिए जो क्लास है इंग्लिश के लिए वो जो है आपके जो बीए वगैरह कर रहे हैं एमए वगैरह कर रहे हैं उनके लिए है एग्जाम पास करने के लिए, तो वो सिस्टमेटिक तरीके से वो भी क्लासेस मतलब नेशा मेकर इंस्टीट्यूट पर ले सकते हैं। तो फिलहाल ये ऑफर लॉन्च हुआ है सिर्फ 50 सीट्स के लिए है, ये आज से चालू हो गया और 4 जनवरी तक रहेगा। 4 जनवरी तक का मतलब ये नहीं है कि 4 जनवरी तक ही रहेगा, यानी 4 जनवरी 2024 तक ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उससे पहले 50 सीट्स कंप्लीट हो जाती हैं तो ये ऑफर क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके 50 सीट्स के लिए रहेगा, यानी 50 सीटों के लिए रहेगा। तो जो भी करना चाहें आपके साथी उनको आप बता सकते हैं। इसके अलावा एक जरूरी सूचना और है जिसके लिए मैंने कहा कि भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलने वाला है, घर बैठे आप टेस्ट दे सकते हैं। अपना ग्रामर आपको यानी इंग्लिश आपको कितना आता है, इंग्लिश आपको कितना आता है ये चेकआउट करने के लिए आप घर बैठे अपने आपको चेक कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है वो जरूरी चीज़ें सुन लो, यानी सबसे पहली बात तो यह है कि ये ऑनलाइन होगा, ये ऑनलाइन टेस्ट है और फ्री है, ऑनलाइन फ्री ग्रामर टेस्ट है ये ऑनलाइन फ्री ग्रामर टेस्ट रहेगा। इसके अलावा इसमें क्या क्या रहेगा वो भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसमें आपको जो है टोटल जो क्वेश्चन मिलेंगे, यानी टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे आपके, टोटल जो क्वेश्चन हैं आपके वो हैं आपके 20। इसके अलावा यानी ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी जो मार्क्स हैं वो आपके 40 का रहेगा। इसके अलावा आपको जो टाइम मिलेगा, टाइम सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट्स का मिलेगा, सिर्फ 40 मिनट का टाइम आपको मिलेगा इस टेस्ट को करने के लिए। यानी ये मान के चलेगा कि एक क्वेश्चन जो है आपका मतलब जो है 2 नंबर का है और प्लस 2 ही मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, उसमें आपको टेस्ट देना कैसे है उसके लिए भी एक वीडियो जल्द ही अवेलेबल करा देंगे तुमको यूट्यूब चैनल पर ही, नेशा मेकर इंस्टीट्यूट पर ही, ठीक है, तो उस पर आपको वीडियो दे दी जाएगी कि मतलब किस तरीके से आपको देना है। इसके अलावा आपको टेस्ट का लिंक कैसे मिलेगा, टेस्ट जो होगा वो 31 दिसंबर को होगा, 31 दिसंबर को आपका टेस्ट होगा, यानी 31 दिसंबर 2023 को, यानी लास्ट इस साल की लास्ट डे को, और उस दिन पड़ेगा आपका संडे आपका पड़ रहा है। इस टेस्ट को आप कभी भी दे सकते हैं, रात के 12 बजे से ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और आपके लास्ट जब आपके नई साल आने वाली होगी यानी 11:59 पर ये लिंक जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा, तब आप इसे नहीं दे पाएंगे, सिर्फ एक दिन के लिए मतलब ये टेस्ट अवेलेबल होगा आपके लिए। और नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट ये है कि संडे के दिन टेस्ट है, कभी भी आप दे सकते हैं, चाहे सुबह में दे लो, दोपहर को दे लो, शाम को दे लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, क्योंकि संडे की रात को एक्टिवेट हो जाएगा 12 बजे से और 11:59 तक ये एक्टिवेट रहेगा, तो आपका जब मन करे तब आप दे सकते हैं, ठीक है, अपने जब भी फ़ोन की जैसी भी सुविधा मिले, मान लीजिए सबके पास पर्सनली फ़ोन नहीं होगा तो आप अपने मम्मी का है पापा का फ़ोन है तो उसको जब भी फ्री मिले वो आपको कभी भी आप टेस्ट को दे सकते हैं। टेस्ट के लिए लिंक के लिए आपको क्या करना है, या फिर उससे पहले मैं कुछ तुम्हें ये बता दे रहा हूँ इसमें सिलेबस क्या आने वाला है। सिलेबस ये बता दे रहा हूँ कि इसमें आपको 7 चीज़ें देखने को मिलने वाली है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलेगा इसमें, टोटल आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन मिलेंगे। यानी सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका नाउन का,
सबसे पहला टॉपिक नाउन का, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, नाउन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा ऐसे ही आपके प्रोनाउन से भी 3 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा आपका एडजेक्टिव से रहेगा 3 क्वेश्चन। इसके अलावा आपको ऐसे ही एडवर्ब से, इसी तरीके से वाव से, इसके अलावा 6 मिलेगा आपको प्रपोजिशन से। आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो भी आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन जो 7th वाला होगा कंजंक्शन आपको मिलेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे इससे, यानी सबसे 3 है बस इससे 2 रहेंगे, क्योंकि 7 टॉपिक है, तो 7 टॉपिक्स है तो 6 × 3 = 18, ठीक है, और 18 + 2 = 20, तो टोटल 20 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, यानी 18 क्वेश्चन तो इसके हो गए, 3 × 18 और 2 क्वेश्चन ये हो गए, तो टोटल आपके 20 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 40 मार्क्स का होगा, टाइम इसका 40 मिनट रहेगा ऑनलाइन करने के लिए, और इसका रिजल्ट आपको साथ के साथ मिल जाएगा, जैसे ही आप इसको टेस्ट को सबमिट करेंगे तुरंत रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, अपना स्कोर देख सकते हैं, ठीक है, तुरंत अपना व्यू स्कोर पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन आ जाएगा व्यू स्कोर कार्ड, अपना स्कोर देखने के लिए, तो व्यू स्कोर पर क्लिक करेंगे तुरंत स्कोर आ जाएगा, आपने कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं वो सब आपको दिख जाएगा, और उसकी एक कॉपी जो है आपकी ईमेल आईडी पर भी पहुंच जाएगी, ईमेल आईडी पर उसकी कॉपी आप ईमेल आईडी पे भी जाकर देख सकते हैं उसकी कॉपी को। इसके अलावा एक ईमेल आईडी पे कॉपी हमारे पास आ जाएगी, हम भी उसको देख लेंगे, ठीक है, कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया है, एक हमारे पास आ जाएगी कि आपके पास रहेगी। इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसमें डिटेल क्या क्या भरनी पड़ेंगी, डिटेल भरने के लिए तुम्हें और एक वीडियो आ जाएगा, वैसे इसमें जो भरेंगे सबसे पहले जरूरी चीज़ तो यह है ईमेल आईडी, आपको अपना ईमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा, बिना ईमेल आईडी के लॉगिन नहीं कर पाएंगे आप, लिंक को लॉगिन करने के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी को डालना पड़ेगा और पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब जाकर के लॉगिन होगी, और कैसे लॉगिन होगी वो आपको वीडियो आपको मिल जाएगा जल्दी ही, यानी ईमेल आईडी बोले तो जो हर फोन में रहती है, बिना ईमेल आईडी के फोन चलता ही नहीं है, ठीक है, जो जीमेल का सेक्शन होता है उसमें ईमेल आईडी हमारा होता है, आप वहाँ देख सकते हैं, उसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पासवर्ड से ही उसका लॉगिन होगा, तो ईमेल आईडी जो है आपको पता होना चाहिए उसका पासवर्ड, और ईमेल आईडी जरूर पता होना चाहिए, ईमेल आईडी से आप लॉगिन करेंगे, और अगर ईमेल आईडी का आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं, अपना पासवर्ड दोबारा बना सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ भी जो है आपको जो है वीडियो में बता दी जाएगी जब वीडियो आएगी। इसके अलावा आपको जो है नेम डालना है, अपना नेम डालेंगे, इसके अलावा नेम के बाद अपना फादर्स नेम डालेंगे जो भरने के लिए आएगा टेस्ट में, फादर्स नेम, इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो आप डालेंगे अपना एड्रेस, यानी विलेज डाल देंगे या फिर लिखा मिलेगा आपको एड्रेस, ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो डालना है आपको क्लास डालना है, जो भी आपका क्लास है वो अपना क्लास इसमें आप डाल देंगे, इसके अलावा अपना मोबाइल नंबर और डाल देना है, तो ये 6 चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी, 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी, उसके बाद में आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा, और जैसे ही टेस्ट शुरू होगा तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ जाएगा, उस पहले क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस होंगे, क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसको क्लिक करेंगे, उसके बाद में नीचे आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा और आप आगे बढ़ जाएंगे इस तरीके से, और ये चीज़ जो है इसका जो वीडियो में देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी जो आप यहाँ हैं अपने घर पर जाकर के यूट्यूब पे से जाकर के स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी डिटेल वीडियो आएगा भी, ठीक है, कि एग्जाम देना कैसे और क्या भरना है, उसमें क्वेश्चन किस तरीके के होंगे, एक क्वेश्चन का मैं तुम्हें फॉर्मेट बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन का तुम्हें फॉर्मेट देने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिएगा सपोज दैट पहला क्वेश्चन ही रहा आपका, नंबर एक क्वेश्चन रहा मान लीजिएगा फाइंड द नाउन, मान लीजिएगा पहला क्वेश्चन रहा फाइंड द नाउन, क्योंकि नाउन को फाइंड करिए, उसमें मान लीजिएगा आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए, मान लीजिएगा पहला ऑप्शन आपको दे दिया स्ट्रेंथ, मान लीजिएगा पहला ऑप्शन दे दिया आपको स्ट्रेंथ, उसके बाद में आपको इस तरीके से सर्कल मिलेगा टिक करने के लिए, नंबर 2 मान लीजिएगा आपको दे दिया गुड, इसके अलावा नेक्स्ट आपको दे दिया ब्यूटीफुल, इसके अलावा नेक्स्ट आपको दे दिया मान लीजिएगा प्ले,
अब ये मान लेगा चार ऑप्शन आपके पास हो गया, अब आपको जो भी लग रहा है कि भी ऑप्शन मान लेगा पहला है, दूसरा है, तीसरा है, उसी पे आप क्लिक करेंगे, मान लीजिए ये लग रहा है तो इस पे क्लिक कर देंगे, तुरंत ही अपना गोला इस तरीके से अपना भर जाएगा। हाँ हाँ, मतलब मैं बता रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब मान लीजिएगा आपको आंसर फर्स्ट सही लग रहा है तो आप फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो पहला गोला पड़ जाएगा, मतलब जो भी आपको अच्छा लग रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे, फॉर्मेट बताया जा रहा है आपको। इसके अलावा नीचे आपको लिखा मिलेगा इस तरीके से, यहाँ डाउन साइड मिलेगा नेक्स्ट, यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको नेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे सीधे दूसरे क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने खुल के, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे ही तीसरा चौथा, इस तरीके से आपके 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस तरीके से जो है आप अपने उसको टेस्ट को आप देंगे। और हाँ, लिंक कैसे मिलेगा, लिंक के लिए और ज़रा सुन लो, लिंक के लिए आपको क्या करना है, लिंक लेने के लिए आपको या तो अपना आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप, तो सभी के में होगा ही होगा लगभग, ठीक है। कोशिश करिए कि टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लें, नहीं हो रहा है तो कोई नहीं, व्हाट्सएप तो होता है सभी के में। आपको ये नंबर ऐड कर लेना है 9720 21 और 2031, इस नंबर को आपको ऐड कर लेना है, कॉल करने से बचना है, कॉल जरूरी जब आपको हो करना बात करने का तभी इस पे कॉल करें, नहीं तो कोशिश ये करें कि आप व्हाट्सएप से या टेलीग्राम से मैसेज करके ही ज़्यादा जानकारी जुटाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एमरजेंसी केस में करना है, जब आपको लगे ज़्यादा जरूरत है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, सभी का कॉल रिसीव नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको जो है कॉल से बचें, जो भी करना है मैसेज से बात करना। इसके अलावा इसको आपको सेव कर लेना है अपने नेशनल मेकरन के नाम से, नेशनल मेकरन अमरगढ़ के नाम से इसको आप सेव कर लेंगे। जैसे आप सेव करेंगे तो ये व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेशनल मेकरन अमरगढ़ के नाम से आपको इसको ऐड कर लेना है और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो जाएगा, टेलीग्राम पे भी। जब आप इसको कनेक्ट कर लेंगे आपको मैसेज लिख के भेजना है, और याद रखिएगा मैसेज जब भी भेजें आपको ग्रुप में तभी ऐड किया जाएगा, फ्री ऑनलाइन जो फ्री टेस्ट हो रहा है आपको तभी ऐड किया जाएगा जब आप इन चीज़ों को डिटेल को दे देंगे, अपना नाम, पापा का नाम, गाँव का नाम और क्लास, इन चार चीज़ों को कम से कम देना मैंडेटरी होगा आपके लिए, 1 2 3 4, इन चारों को देना, नहीं तो ये बात ध्यान रखना, अगर आपने हाई लिख के भेज दिया, बस सर यही छोड़ दिया, अपना नाम भी छोड़ दिया, हाई लिखकर अपना नाम बता दिया आपने, तब भी उसको ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा आपके उसको नंबर को, तुम्हें लिंक नहीं मिलेगा। तो ग्रुप में आपको लिंक तभी किया जाएगा जब आप इसको जो है इन चारों चीज़ों को जो है आप मतलब भेज देंगे, अपना नाम, पापा का नाम, गाँव का नाम और क्लास, इन चीज़ों को जरूर भेजना है, ठीक है। तो इतना ये जानकारी था, और जो भी आपके साथ ही है उनको बता देना है कि ऑफ़र शुरू हो चुका है, ठीक है। 1 जनवरी 2024 को जो है 8 साल कंप्लीट हो जाएंगे, उसके उपलक्ष में ये आपके लिए ऑफ़र है, ठीक है। तो बढ़ते हैं बेटा क्लास की तरफ, तो ये जानकारी आपको मिल चुकी है, इसको आप द्वारा अपने, ये वीडियो आपका यूट्यूब पर जा रहा है तो अपना द्वारा भी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं आगे, हमारी बात चल रही थी बेटा पास क्लास की। पास क्लास को हमने सीखा था कि भी जो भी काम हमने पास्ट में किया या नहीं किया या कंफर्म करना हो इतना हम बता देंगे, कार्डिट कार्डिट यस कार्डिट क्या एनी प्रॉब नो प्रॉब बोलो कुछ नो प्रॉब क्या है अच्छा, तो पास्ट के बारे में जो हमने बातें की उसका प्रैक्टिस क्लास भी हमने कर लिया, लेकिन आज जो हम क्लास करने जा रहे हैं वो उसी से ही रिलेटेड क्लास है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्लास है। इम्पोर्टेंट क्लास इसलिए है कि पास्ट को हम और अच्छा करना चाहते हैं, और अच्छा करने के लिए आज थोड़ा सा और टास्क हम बढ़ा रहे हैं, और टास्क ये है कि आज हम ये सीखने वाले हैं कि अपने किसी भी पास इंसिडेंट के बारे में, अपनी घटना के बारे में हम किसी को कैसे बताएं। यानी बहुत सारी घटना है जो आपके साथ पास्ट में घटित हुई होंगी और उनके बारे में आपको किसी को अंग्रेजी में बताना पड़ जाए तो हम कैसे बताएंगे, वो चीज़ हम आज सीखने वाले हैं। गॉट इट? अरे गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम क्या बोलो कुछ no, अच्छा, ये क्लास इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, अगर मान लीजिएगा आपको किसी का इंग्लिश चेकआउट करना है या आपको किसी का करना हो तो वो आपसे जो बात करेगा वो पास्ट के बारे में ही बात करेगा। इसके अलावा इवन आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो इंटरव्यूअर जो है आपसे आपके, अगर इंग्लिश चेकआउट करना होगा तो आपसे आपके पास्ट के बारे में पूछेगा कि भी अपने पास्ट के बारे में कोई स्टोरी सुना दो, या कह देगा भाई हाउ वाज योर लास्ट फेस्टिवल, अपना फेस्टिवल बता दो, आपका लास्ट कैसा रहा, या हाउ वाज योर लास्ट होली, आपकी लास्ट होली कैसी रही, लास्ट दिवाली कैसी रही, आपका दिवाली कैसा रहा, ठीक है, होली कैसा रहा, उसके बारे में पूछ सकता है। तो या ये कह सकता है प्लीज़ स्पीक
टू और थ्री मिनट्स और फाइव मिनट्स अबाउट योर फेस्टिवल होली, अबाउट योर मतलब दिवाली जो भी आपने सेलिब्रेट किया उसके बारे में बताइए, या आप पास्ट के बारे में दो चार मिनट बोलिए। तो इस तरीके से वो आपसे पूछ सकता है, तो यू शुड नो और यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए और जानना चाहिए। गॉट इट? अरे गॉट इट? तो एनी प्रॉब? क्या तो पास्ट में अगर हमें किसी को बताना है तो कोई नई बात नहीं है, जो स्ट्रक्चर हमने सीखे वो उन्हीं से ही हम बताएंगे। गॉट इट? और हमने जो पहला स्ट्रक्चर सीखा था पास्ट के लिए, वो पहला स्ट्रक्चर क्या था बताओ आदित्य, क्या था पहला स्ट्रक्चर? ये था पास्ट के लिए स्ट्रक्चर, क्या था रुद्र? आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म था, तीन स्ट्रक्चर सीखे थे ना पास्ट के लिए, आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म, आई डिड नॉट एक्शन और डिड यू एक्शन। तो पहला वाला क्या था? पहला वाला आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म था। क्लैप फॉर हिम, हैव सीट। तो क्या था पहला स्ट्रक्चर? आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। तो बोलो जरा, आई एक्शन प्लस क्या? यानी जो भी काम आपने पास्ट में किया अगर वो दूसरे को आपको बताना पड़े तो बोल देंगे आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। क्या बोलेंगे? आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। बोलो जी, आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। क्या बोलेंगे? आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। क्या बोलेंगे? Got it? Yes, any problem? No problem. अरे बोलो बेटा, कहाँ ध्यान? No problem. No problem. अच्छा मैं आपको एक फॉर्मेट देने वा रहा हूँ, मैं आपको अपने स्टोरी के बारे में बता रहा हूँ, आपको अपने के स्टोरी के बारे में तैयार करना है, यानी जो घटना मेरे साथ घटित हुई है मैं उसके बारे में आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक फॉर्मेट दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको अपनी घटना के बारे में बताना है। Got it? Yes, अरे got it? Yes. Any problem? No problem. क्या? अरे बोलो कुछ है? No problem. तो बात है संडे की, कब की बात है? On Sunday. संडे नहीं, ऑन संडे बताया था On Sunday. कि मंथ एंड डेढ़ से पहले क्या आता है? On आता है मंथ एंड डेढ़ से पहले, और डेढ़ डेढ़ से पहले On आता है। ध्यान दो कि क्या पूछा जा रहा है, ऐसे नहीं भेड़ चाल है बस जो मनवाया बोल दिया। तो मंथ एंड डेढ़ से पहले क्या आता है In. और डेढ़ डेढ़ से पहले On. तो बात है संडे की, कब की बात है? ऑन संडे। क्या? ऑन संडे। बोलो तो, ऑन संडे। क्या? मैं उठा, अरे मैं उठा। अच्छा उठना होता है गेट अप, और गेट का सेकंड फॉर्म गॉट, तो मैं उठा आई गॉट अप। क्या? आई गॉट अप। क्या? आई गॉट अप। बोलो ना यार आवाज, आई गॉट अप। क्या? उसके बाद, अब उसके बाद की बात आए तो ये मैंने बता दिया था आपको डेली रूटीन में भी, वैसे आफ्टर दैट। क्या? आफ्टर दैट। क्या? आफ्टर दैट। क्या? बोलो कुछ है? आफ्टर दैट। क्या? उसके बाद, आफ्टर दैट। क्या? मैं आया, आई केम। क्या? क्योंकि आना होता है कम, और कम का सेकंड फॉर्म केम। अब मैं आया तो आई केम। क्या? आई केम। क्या? बोलो तो, आई केम। क्या? आई केम। क्या? आई केम। क्या? अरे बोलो कुछ है? आई केम। क्या? मैं बाहर आया, आई केम आउटसाइड। क्या? अरे बोलो कुछ है? आई केम आउटसाइड। क्या? आई केम आउटसाइड। नहीं आ रही आवाज। उसके बाद मैंने देखा, अब देखना होता है सी और सी का सेकंड फॉर्म सा, तो मैंने देखा तो आई सा। क्या? आई सा। क्या? अरे बोलो कुछ है? आई सा। क्या? मैंने कूड़ा देखा, आई सा गार्बेज। क्या? चलिए जो स्टोरी हम कर रहे हैं, स्टोरी का मैं टाइटल आपको बता दे रहा हूँ, स्टोरी का टाइटल है आपका थ्रो द गार्बेज। क्या है थ्रो द गार्बेज? क्या है थ्रो द गार्बेज? क्या है
थ्रू द गार्बेज, क्या यानी थ्रू द गार्बेज बोले तो कूड़ा फेंकना। तो ये स्टोरी का टाइटल है कूड़ा फेंकना, यानी यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो कूड़ा फेंकने के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, थ्रू का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है आपका थ्रू। क्या होता है थ्रू? क्या होता है थ्रू? इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और इसके अलावा थर्ड फॉर्म जो होता है वो थ्रॉन होता है, वो बता दे रहा हूँ, बट आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट इसकी पड़ेगी। गॉट इट? अरे गॉट इट है, यानी प्रॉब। तो मैं बाहर आया, आई केम आउटसाइड, क्या उसके बाद आफ्टर दैट, क्या मैंने देखा, आई सा, क्या मैंने देखा, मैंने कूड़ा देखा, आई सा गार्बेज, क्या आई सा गार्बेज, बोलो तो। इसके बाद, इसके बाद आफ्टर दैट, क्या बोलो कुछ, आफ्टर दैट, क्या उसके बाद है। अब सीधी सी बात है, जब सुबह में आप सो करके उठे हो, अब पता चले आप दरवाजा खोलें और घर के आगे पता चले कि कोई कूड़ा फेंक गया है, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, गुस्सा आएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो यही काम हुआ, गुस्सा आया, तो गुस्सा आना होता है गेट एंग्री। क्या होता है गेट एंग्री? क्या गेट एंग्री? क्या तो मुझे गुस्सा आया, अब आई गेट एंग्री तो रहेगा नहीं भाई, गेट का सेकंड फॉर्म गॉट होता है, तो आई गॉट एंग्री, क्या आई गॉट एंग्री, बोलो तो, आई गॉट एंग्री, क्या अरे बोलो कुछ, आई गॉट एंग्री, क्या उसके बाद, उसके बाद आफ्टर दैट, क्या बोलो कुछ, आफ्टर दैट, क्या है? मैंने सोचा। अच्छा, सोचना होता है थिंक, और थिंक का सेकंड फॉर्म होता है थॉट। तो मैंने सोचा, मैंने सोचा, आई थॉट, क्या मैंने सोचा, आई थॉट, क्या मैंने सोचा कि भी एक तो शर्मा जी रहते हैं, शर्मा जी लिप्स, क्या यानी शर्मा जी रहते हैं तो शर्मा जी लिप्स, क्या रहना होता है आपका लिप, मान लीजिएगा शर्मा जी रहते हैं तो शर्मा जी लिप्स, क्या याद रखिएगा। ये स्टोरी भले ही पास्ट की है बट ये सेंटेंस प्रेजेंट में ही बोलेगा। से एक तो भाई शर्मा जी रहते हैं, शर्मा जी रहते मतलब वो अभी भी रहते हैं, ऐसे नहीं कि रहते थे मर गए चले गए, अभी भी रहते हैं। तो शर्मा जी रहते हैं, शर्मा जी लिप्स, क्या है और एंड, क्या और वर्मा जी रहते हैं, वर्मा जी लिप्स, क्या यानी शर्मा जी लिप्स एंड वर्मा जी लिप्स, कि भाई एक तो शर्मा जी रहते हैं एक वर्मा जी रहते हैं। वाई? बिकॉज हमारा शक किस पे जाएगा? पड़ोसियों पे जाएगा। ठीक है, मान लीजिएगा घर के आगे कूड़ा पड़ा है तो आपका शक किस पे जाएगा? पड़ोसियों पे जाएगा। बिकॉज कोई बाहर का तो फेंक के जाएगा नहीं, कोई ना कोई पड़ोसी ये काम किया होगा, तो आपका शक किस पे जाएगा? पड़ोसियों पे जाएगा। वही काम मेरे साथ हुआ, मैंने सोचा कि भाई एक तो शर्मा जी रहते हैं, शर्मा जी लिप्स, क्या और वर्मा जी रहते हैं, वर्मा जी लिप्स, क्या उसके बाद, उसके बाद आफ्टर दैट, क्या मैं गया, मैं गया, आई वेंट, क्या भाई जाना होता है गो, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, मैं गया तो आई वेंट, क्या मैं शर्मा जी के पास गया, आई वेंट टू शर्मा जी, बोलो आई वेंट टू शर्मा जी, बोलो आई वेंट टू शर्मा जी, नहीं आ रही आवाज, आई वेंट टू शर्मा जी, क्या उसके बाद, उसके बाद मैंने दरवाजा खड़खड़ाया। दरवाजा खड़खड़ाना होता है नोक द डोर, क्या होता है नोक द डोर, क्या होता है? तो मैंने दरवाजा खड़खड़ाया, आई नोक द डोर, क्या आई नोक्ड द डोर, मतलब ईडी लगा देना है सेकंड फॉर्म के लिए, आई नोक्ड द डोर, क्या आई नोक्ड द डोर, बोलो जी। उसके बाद शर्मा जी आए, शर्मा जी के एम, क्या शर्मा जी बाहर आए, शर्मा जी के एम आउटसाइड, बोलो तो। इसके बाद, इसके बाद मैंने पूछा, I asked, क्या अच्छा पूछना होता है ask, और ask का सेकंड फॉर्म है तो ईडी लगा देना है बस, asked, मैंने पूछा,
आई आस्क्ड क्या? अरे बोलो कुछ, आई आस्क्ड क्या? चलो भाई खड़े जाओ दिव्यांश, मैंने पूछा कि कूड़ा आपने फेंका था क्या? खड़े जाओ, कैसे पूछेंगे? कूड़ा आपने फेंका था? सवार कैसे पूछेंगे? कूड़ा आपने फेंका था? ऐसे पूछेंगे? हाँ मंग, कभी कूड़ा आपने फेंका था? शिवम, निशी, क्या हाँ तुम बताओ? प्रिया बताओ, रुद्र Did you throw the garbage? यही तो बोलेंगे, did you throw the garbage? थ्रू नहीं आएगा, तुम थ्रू बोलने की कोशिश कर रहे थे, ये थ्रू बोल रहे थे, बोल तो थ्रू रहे थे, ये वाला नीचे वाला बोल रहे थे, और डिड आ गया तो फिर थ्रू नहीं आएगा, एक ही बार सेकंड फॉर्म आता है, ठीक है? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? क्लैप फॉर मी एब्सेंट। भैया आपने कूड़ा फेंका था, डिड यू थ्रो द गार्बेज, क्या बोलेंगे? डिड यू थ्रो द गार्बेज, क्या बोलेंगे? उसके बाद उन्होंने कहा, अच्छा कहना होता है से, और से का सेकंड फॉर्म होता है सैड, अब उन्होंने कहा तो ही सैड, क्या बोलेंगे? ही सैड, क्या उन्होंने कहा? ही सैड, क्या? मैं न फेंका, आई डिड नॉट थ्रो, मैंने ना फेंका, आई डिड नॉट थ्रो, क्या? आई डिड नॉट थ्रो, बोलो तो, लेकिन, अरे लेकिन, लेकिन, है क्या? अरे या प्रीत, वर्मा जी ने फेंका है, अच्छा ये आएगा, वर्मा जी ने फेंका है, ये बात कैसे बोलेंगे? हाँ योर नेम? कौशल। वर्मा जी थ्रो द गार्बेज। अच्छा हाँ उमंग। भावना। वर्मा जी थ्रू सेकंड फॉर्म आएगा, वर्मा जी ने फेंका है, वर्मा जी थ्रू, थ्रो नहीं आएगा, पास्ट की बात कर रहे हैं, वर्मा जी ने फेंका है तो वर्मा जी थ्रू, क्लैप फॉर एब्सेंट। तो वर्मा जी थ्रू, क्या बोलेंगे? वर्मा जी थ्रू, क्या? उसके बाद है क्या? बोला कुछ है? मैं गया आई वेंट, क्या? मैं वर्मा जी के पास गया, आई वेंट टू वर्मा जी, क्या? उसके बाद मैंने दरवाजा खटखटाया, आई नॉक्ड द डोर, क्या? उसके बाद है वर्मा जी आए, वर्मा जी केम, क्या? वर्मा जी बाहर आए, अरे बोलो कुछ, वर्मा जी केम आउटसाइड, क्या? उसके बाद मैंने पूछा आई आस्क्ड, क्या? मैंने पूछा, आपने कूड़ा फेंका था, डिड यू थ्रो द गार्बेज, क्या? डिड यू थ्रो द गार्बेज, बोलो जी, है? उसके बाद उन्होंने कहा, ही सैड, बोलो ही सैड, क्या? हाँ खड़े जाओ तनु, किसने कहा? वर्मा जी। क्या वर्मा जी मर गए, भग गए, बीमार हो गए, पूरा बोलो वर्मा जी सर। हाँ तो पूरा बोलो ना, ध्यान कहाँ है? क्लैप फॉर एब्सेंट। किसने कहा? वर्मा जी सैड, क्या? वर्मा जी तो इधर को मुंह करके बैठो, इधर को मुंह करके बैठो, इधर चल रही क्लास, इधर चल रही है। वर्मा जी सैड, क्या? वर्मा जी सैड, क्या? बोलो तो वर्मा जी, तुमको गलत फहमी हुई है, यू आर मेकिंग मिस्टेक, क्या? You are making mistake.
यानी वर्मा जी ने ऐसा कहा कि भाई तुमको गलत फहमी हुई है, गलत फहमी बोले तो तुम मिस्टेक कर रहे हो, गलती कर रहे हो। यू आर मेकिंग मिस्टेक, क्या यू आर मेकिंग मिस्टेक, क्या मैं न फेंका, मैं न फेंका, आई डू नॉट थ्रो, बोलो मैं न फेंका, लेकिन अरे लेकिन प्रिया खड़े यार, शर्मा जी ने फेंका है, कैसे बोलेंगे, शर्मा जी ने फेंका है, बातें नहीं, हाँ निशी शर्मा जी ने फेंका है, कैसे बोलेंगे बता दिव्यांश, हाँ तो फिर तो शर्मा जी थ्रू, सेकंड फॉर्म आएगा शर्मा जी थ्रू ना आएगा, ये तो ध्यान लगाना है, चलो क्लैप फॉर द मैप से। तो शर्मा जी थ्रू, क्या शर्मा जी, उसके बाद मैंने सोचा, आई थॉट, क्या मैंने सोचा, ये दोनों दे, क्या ये दोनों दे, क्या ये मेरा बना रहे हैं, दे आर मेकिंग मी, मेक होता बनाना भी, मेरा बना रहे हैं, दे आर मेकिंग मी, क्या दे आर मेकिंग मी, बोलो नया रे आवाज, दे आर मेकिंग मी, क्या दे आर मेकिंग, क्योंकि अरे क्योंकि, बिकॉज, क्या बोलो कुछ, शर्मा जी ने कहा, शर्मा जी सेड, क्या वर्मा जी के लिए, फॉर वर्मा जी, क्या और वर्मा जी ने कहा, वर्मा जी सेड, क्या शर्मा जी के लिए, फॉर शर्मा जी, क्या यानी शर्मा जी सेड फॉर वर्मा जी, या वर्मा जी सेड फॉर शर्मा जी, क्या अरे शर्मा जी सेड फॉर वर्मा जी, वर्मा जी सेड फॉर शर्मा जी, क्या कुछ तो बेकार है, पता क्या कर रहे हैं, मंत्र सा पढ़ रहे हैं, हाँ बताओ अंशिका, बेकार का काम कर रहे हैं, बताओ स्टैंड अप, हाँ खड़े हैं इनसे, यानी शर्मा जी सेड फॉर वर्मा जी, वर्मा जी सेड फॉर शर्मा जी, क्या थोड़ा आवाज निकालो, सेट फॉर चार रन, हाँ निशी एंड कहाँ लगाया, शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी, ने वर्मा जी सेट फॉर शर्मा जी, क्या हाँ द्वारा बोल दो, शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी, ने वर्मा जी सेट फॉर शर्मा जी, क्या शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी एंड वर्मा जी सेट फॉर शर्मा जी, हाँ फिर से बोल दो, यानी शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी, ने वर्मा जी सेट फॉर शर्मा जी, क्या हाँ तो बोले तो ऐसे क्या बोले, बोला तो थोड़ा जल्दी से बोला ना, शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी, वर्मा जी सेट फॉर शर्मा जी, क्या हाँ रुद्र बोलेगा भाई, हाँ अच्छा ऐसी बात है, तुम बोलियो प्रिया, हाँ कब जल्दी से स्टैंड अप, थोड़ा जल्दी से, शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी, वर्मा जी सेट फॉर शर्मा जी, क्या हाँ तनु बोल, हाँ सुना जान से तनु के, सुन लो जरा, अरे बात है ना, सुना इंद्र, हाँ अच्छा शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी, वर्मा जी सेट फॉर शर्मा जी, क्या बोलना बोला जैसे, हाँ तो बोले तो अरे दोबारा बोले, कौन सा बता रहे, बोलो ना एंड कहाँ लगाया, एंड रह गया, शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी, ने वर्मा जी सेट फॉर शर्मा जी, क्या हाँ बोलो, अरे रुक जरा, शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी एंड वर्मा जी सेट फॉर शर्मा जी, हाँ तो ऐसे बोलना चाहिए ना, सेट फॉर अमित सर एंड सेट फॉर जी सर, चला क्लैप क्लैप हो जाएगा, बोल ये भूल जाएगा, लेकिन बाबा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, गॉट इट, और मतलब स्पीड से, शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी, वर्मा सेट फॉर शर्मा जी, गॉट इट, एनी प्रॉब्लम, अच्छा वो घर के आगे कूड़ा ना पड़ा नहीं रहा, वो किसी ने फेंका कूड़ा, तो कौन बताएगा किसने फेंका, हैंड अप कि किसने फेंका होगा
चलो तुम बताओ भावना। अच्छा तो तुमने फेंका, तुम्हें फेंका पड़ा कूड़ा, फिर तो किसने फेंका होगा वो? हाँ बताओ भाई सोफियान, तुमने फेंका, तुम्हारे घर का पड़ा कूड़ा है? हाँ देख कहना चाहिए ना, यू थ्रू सर आपने फेंका, मेरे घर का पड़ा तो मैं ही फेंकूंगा ना। उन्होंने दोनों ने अपना पल्ला झाड़ लिया, मैंने ना फेंका एक दूसरे को कह दिया कि शर्मा जी साहब वर्मा जी वर्मा साहब शर्मा जी। चलो क्लब फॉर हैव सीट चले रेड फल जल्दी से। सीधे बेटा चले तो इस तरीके से आपको जो है अपनी स्टोरी तैयार करना है और उसे बना करके देखना है और उसे बोल करके देखना है, प्रैक्टिस करना है। याद रहे आपके पोडियम क्लास का नेक्स्ट टॉपिक यही है, अपने किसी भी पास्ट इंसिडेंट के बारे में बताना है, अपने किसी भी पास्ट के घटना के बारे में सोचना है और बोलना है। जो जो आपके साथ हुआ है उसको क्या करना है, एक बार पहले प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लिखेंगे नहीं उसे, तब तक वो होगा नहीं, तो इसलिए प्रैक्टिस कर लेना है। अगर स्टोरी नहीं बन पा रहा है तो ध्यान रहे आप हेल्प ले सकते हैं, आप पूछ सकते हैं सर ये वाला सेंटेंस हमसे नहीं बन रहा है तो आगे पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर बिल्कुल ही ना बने तो ये वाली स्टोरी बोल देना, आप ये सोच लेना ये काम मेरे साथ नहीं मतलब तुम्हारे साथ हुआ है, या ये जो है शर्मा जी वर्मा जी मेरे पड़ोसी नहीं तुम्हारे पड़ोसी हैं, तो ये वाली बोल देना शर्मा जी वर्मा जी वाली स्टोरी। लेकिन हाँ पास इंसिडेंट के बारे में पोडियम क्लास पे बोलना जरूर है, अडिट अडिट। लेकिन ये तभी बोलेगा, याद रहे फिर से कह रहा हूँ, ये थोड़ा टफ क्लास है, तभी बोलेगा जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे लिख करके, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी आप यूट्यूब पे द्वारा रिवीजन करना चाहें तो कर सकते हैं, गॉट इट। तो बाकी मैंने तुमको बता दिया उस ऑफर के बारे में, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस बात को। इसके अलावा तुमको जो है व्हाट्सएप पर आज जो है फेसबुक पर इंस्टाग्राम पे पंपलेट मिल जाएगा, उसको आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, गॉट इट। ठीक है, सॉल्व फॉर टुडे और मीट टुमारो।